नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हर एक भाई बहन गृहणी का सभी का वेलकम अभिनंदन है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर एट में पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों बात करेंगे सीडीपी क्लास के महत्वपूर्ण तीस प्रश्नों की बात करेंगे और लगातार क्लासेज हो रही हैं और लगातार क्लास में ये आठवीं क्लास है इसके पहले हमने सात क्लास कंप्लीट कर चुके हैं अगर आप नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए हर एक क्लास आपको फ्री ऑफ आप नोट्स है फ्री ऑफ क्लास यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि यह दोस्तों शिक्षक भर्ती का चैनल है टीचर्स फैमिली है बात करेंगे पहले प्रश्न की आप लोगों के स्क्रीन पर पहला प्रश्न है और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस क्लास नंबर तीस महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका फीडबैक कितना है फिफ्टीन प्लस है ट्वेंटी प्लस है यह दोस्तों ट्वेंटी फाइव प्लस है तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किससे संबंधित है अंत संबंध के सिद्धांत से निरंतरता के सिद्धांत से एकीकरण के सिद्धांत से या अंतर क्रिया के सिद्धांत से दोस्तों प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतरता के सिद्धांत की बात करेंगे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है देखिए संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति के बारे में बात कर रहे हैं तो विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है ये जो आपके सिद्धांत के साथ संबंधित हो जाएगी ठीक है और आपका जो अंगला है कि विद्यार्थियों में भिन्न दरों पर विकसित होते हैं विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है देखिए हर एक ऑप्शन हमें लग रहा है कि सही होगा लेकिन जो राइट ऑप्शन है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न जो है आपके विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होने होता है और उसके साथ यह संबंधित होता है क्योंकि सभी जानते हैं विकास के सापेक्ष रूप में क्रमिक होता है किसकी संकल्पना की व्यवस्थित प्रस्तुति के बारे में तीसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह किस नमूने का अनुगमन करती है देखिए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है लेकिन यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है डी ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है विकास की सभी क्रियाएं अंत संबंधित नहीं हैं दोनों आपके नहीं होंगे विकास हमेशा रेखी होता ये भी नहीं होगा तो राइट ऑप्शन हमें पता आप सी होगा कि सभी की विकास की दर समान नहीं होती बिल्कुल सही बात है विकास द्वारा हर एक बालिका बालक की हमारी और आपकी विकास दर जो है समान नहीं होती है पाँचवा प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर दिया गया है क्या प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत सभी हर एक भाई बहने गृहिणी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर अध्यापक अध्यापिका बनना सभी का सलेक्शन तय है क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों जितना ज़्यादा अटेंड करेंगे क्वेश्चन को हर एक क्लास अटेंड करते हैं तो सी में तीस में से अट्ठाइस प्लस अवश्य आपके अंक आ जाएंगे तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा देखिए निरंतर परस्पर समान ये तीनों हैं लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होगा इसलिए आपका दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा छठवा प्रश्न दिया गया है कि कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं होगा देखिए सभी जानते समान प्रतिमान का सतत का व्यक्तिगत ये हम सिद्धांत पढ़ चुके हैं लेकिन विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत जो है ये हमारा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं होगा सातवां प्रश्न है बहुत ही अच्छा है प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि विकास एक प्रक्रिया है सभी को पता है विकास एक कैसी प्रक्रिया है निरंतर प्रक्रिया है जो जन्मों ठीक है मरणोप्राण तक चलती रहती जब तक के जीवन है विकास होता रहता है एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है और एक महेश गणित के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं तो आप देखते हैं आपके जो कक्षा के विद्यार्थी हैं वर्क बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा उसने इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया होगा यह अब आपको बताना है क्योंकि टीचर्स हैं आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन आपके बेहतरीन दिए गए हैं ए बी सी डी के रूप में तो सही जो होगा विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है यह हमारा सही ऑप्शन है का विंडो क्वेश्चन सही हो जाएगा कोई भी और ऑप्शन आप आपको लग रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं फीडबैक कर सकते हैं क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पर शरोपरि है आपका फीडबैक यहाँ पर शर्मान है नौ प्रश्न है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं होगा देखिए विकास संशोधन योग्य होता है विकास जीवन पर्यंत होता है विकास वंशन क्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है लेकिन विकास केवल संस्कृत से शासित आधारित होता है यह हमारा कथन जो है यह सिद्धांत नहीं होगा इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दसवां प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है किसकी बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास देखिए निरंतरता हो गया समन्वय हो गया व्यक्तिगत हो गया लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है इसलिए हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी कमेंट करेंगे यहाँ पे सभी फीडबैक करेंगे जय स्वाद सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है और जो हम सबका सपना रहता है कि आउट ऑफ वन फिफ्टी में से वन ट्वेंटी या वन ट्वेंटी फाइव प्लस अगर यहाँ पे स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन जरूर मिलता है तो ज़रूर मिलेगा हर एक क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है विकास प्रबलन दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है तो दोस्तों इनमें से एक सिद्धांत जो बाल विकास का है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन क्रिया के वजह से घटित होता है पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है सभी कमेंट करें आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग कमेंटेड बहुत ही ज़्यादा हों जब कमेंटेड होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं होगा चार ऑप्शन दिए गए हैं सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंत्य क्रिया का परिणाम होते हैं ये सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं देखिए सभी लोग जानते हैं बाल विकास की सिद्धांत की बात करेंगे कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं बिल्कुल सही बात है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं तीनों सही हो गए मतलब डी ऑप्शन हमारा जो है सिद्धांत नहीं होगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं यही हमारा हो गया एक समान गति जो है सभी विकास का नहीं होगा यहाँ पे एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते क्योंकि सभी के अपने अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं अपनी अपनी क्षमताएँ होती हैं अपना अपना नॉलेज होता है विकास किससे किससे और बढ़ता है समान से विशिष्ट जटिल से कठिन विशिष्ट से समान या साधारण से आसान की ओर तो सभी जानते हैं विकास जो होता है वह दोस्तों आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है अगला प्रश्न है फोर्टीन नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर देख लेते हैं प्रश्न आ चुका है कि विकास के बारे में कौन से एक कथन जो सही दिया गया है कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है उसके बाद रुक जाता है देखिए सभी जानते हों कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है यानी अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है ये कथन सर्वथा बाल विकास के बारे में सही दिया गया है इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न है देख लेते हैं फिफ्टींथ नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं दिया गया है ज़्यादातर नकारात्मक प्रश्न इस क्लास पर लिए गए हैं विकास लंबवत न होकर वर्तूलाकार है विकास क्रमबद्ध होता है विकास निरंतर होता है विकास मशीनी प्रक्रिया है देखिए मशीनी प्रक्रिया या मशीन का जो पेडागोजी में सभी को होता बाल विकास में निगेटिव शब्द माना जाता है तो विकास मशीनी प्रक्रिया है ये ए, विकास का सिद्धांत नहीं होगा ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा बात करेंगे सिक्सटीन नंबर प्रश्न की कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है यही हमारा जो कथन है पहला ही कथन गलत लग रहा है ठीक है अब आप लोग देख सकते हैं विकास परिपक्वन तथा अधिगम पर आधारित होता है बिल्कुल सही बात है विकास वंश वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनून क्रिया से होता है ये भी सही दिया गया है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चा या बच्चों में व्यक्तित्व व्यक्तित्वीनताएँ हो बिल्कुल सही बात है लेकिन विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन तो ठीक ठाक सब जो है अपने आप में बाल विकास पेडोगलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी में निगेटिव माना जाता है अगला प्रश्न सत्रहवा प्रश्न कि विकास का पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है देखिए विकास का जो सिर पदामुख दिशा सिद्धांत है वे किसकी ओर व्याख्या करता है कि सिर से पैर की ओर विकास की बात करेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कोई भी डाउट हो कमेंट करें फीडबैक करें और ऑलरेडी बहुत ही कम समय में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग अटेंड कर पाएँ और यही प्रक्रिया आपके एग्जाम में कर पाएँ इसलिए हमारी कोशिश होती है दोस्तों व्यक्तित्व शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास के क्रमों पर विकास की सामान्य क्षमता पर बुद्ध एवं विकास के सिद्धांतों पर या विकास की दरों पर होते हैं सभी कमेंट कीजिएगा तो दोस्तों व्यक्तित्व शिक्षार्थी जो होते हैं वह एक दूसरे से विकास की दरों में भिन्न होते हैं ठीक है सभी की विकास दरें जो है व्यक्ति की विभिन्नताएँ होती हैं विकास की दरें भी भिन्न भिन्न होती हैं ऐसा प्रश्न भी हम कर चुके हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा कुछ प्रश्न एक दूसरे से संबंधित प्रश्न भी होते हैं पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है दो वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त करता है अपित तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं उसके इस व्यवहारिक परितन का क्या सैद्धांतिक आहार हो सकता है आधार हो सकता है यह प्रश्न आपके यूपी टे सी टेट डी टी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो चांसेज आपके भी टी टी एग्जाम पर है तभी तो आपको बताना है कि यह विकास का विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हो जाएंगे डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बीसवा प्रश्न दिया गया है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं होगा समान से विशिष्ट प्रतिवर्ती निरंतरता या अनुक्रमिकता की बात करेंगे दोस्तों मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है सभी जानते हैं आप लोग हम लोग ठीक है आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्यात लोग हैं लेकिन कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं होगा देखिए विशिष्ट से समान निरंतरता और अनुक्रमिकता ये तीनों हैं लेकिन आपका प्रतिवर्ती का नहीं होगा और यही तो पूछा जा रहा है इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा बात करेंगे ट्वेंटी वन नंबर प्रश्न की ट्वेंटी प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं टेन प्लस नौ करेंगे टोटल एक क्लास सभी को पता है थर्टी क्वेश्चन की है महत्वपूर्ण तीस प्रश्न प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाच्चर्या संभव नहीं है एक विषम लपी क्या में शिक्षार्थी की क्षमताओं को विकसित करना संभव नहीं या कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते बिल्कुल सही बात है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है इसलिए यह सही हो जाएगा कि कोई भी दो शिक्षार्थियों की तुलना की जाए तो उनमें योग्यता रुचि और प्रतिभा एक समान नहीं होंगे इसलिए आपका दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है तो यह विकास का सिद्धांत दर्शाता दर है देखिए दो बालक बालिकाओं की यहाँ पर तुलना कर दी गई है कि जल्दी सीखता है वह कम सीखता है तो सभी बात हो अपनी अपनी व्यक्तित्व भिन्नताएँ हो जाएंगी अपनी अपनी व्यक्तित्व बुद्धि की क्षमता हो जाएगी इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न है कि विकास हमेशा बच्चे की उम्र में मेल खाता है जो विकास होता है कहते हैं, हैं बच्चा छः वर्ष का हो गया बच्चे पढ़ना जाएगा बच्चा एक वर्ष का हो गया धीरे धीरे चलने लगेगा बच्चा छः माह का हो गया धीरे धीरे कहेगा करने लगेगा तो ये सारी क्या होती हैं बच्चे की जो उम्र के आधार पर ये मेल खाता है जो विकास होता है तो ये किसके सिद्धांत के कारण होता है निरंतरता एक समान पैटर्न एकीकरण या व्यक्तित्वविन्नता तो ये दोस्तों होता है एक समान पैटर्न सिद्धांत के कारण होता है अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है कि घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है आप लोग देखते होंगे बच्चे जो है चलने से पहले सिर उठाने में जो है सक्षम होता है ऐसा निन्न में से संचालन के कारण होता है भेदभाव सिद्धांत एकीकरण सिद्धांत आपके सेफेलोकाउडल सिद्धांत या प्रोक्सी मोडिस्ट्रल सिद्धांत देखिए सेफेलो काउडल का जो सिद्धांत होता है यही हमारा सिद्धांत है कि घसीट के चलने से बच्चा पहला अपना सिर उठाने में सक्षम होता है ये होता है सेफेलो काउडल का सिद्धांत सी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न है पच्चीसवा प्रश्न है कि बच्चे की विकास की प्रक्रिया के दौरान जो है विशिष्टकार समान कार्यों के बाद किए जाते हैं समान और विशिष्टकार दोनों एक साथ होते हैं यह समानकार विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं यह समान और विशिष्टकार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं देखिए बच्चे के विकास के दौरान क्या होता है सभी लोग जानते हैं कि समान और जो विशिष्टकार हैं इन दोनों में से दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो वह आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि विशिष्टकार समान कार्यों के बात किए जाते हैं शुरुआत नॉर्मल से कीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो पढ़ने की शुरुआत उससे कीजिए फिर धीरे धीरे कठिन सब्जेक्ट भी आप लोग पढ़ने में मन लग जाएगा जब आपका लक्ष्य क्लियर होगा तो मन अवश्य लगेगा छब्बीसवां प्रश्न है रीढ़ की हड्डी जो होती है हृदय से पूर्व विकसित होती है यह किस प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है समान से विशिष्ट सेफेलोकाउडल प्रोक्सी मोडिस्टल या भाग से संपूर्ण तक या पार्टू होल देखिए दोस्तों रीढ़ की हड्डी हृदय की पूर्व विकसित होती है यह होता है प्रोक्सी मोडिस्टल प्रवृत्ति संचालन होती है एक ठीक है उसके कारण होती है अगला प्रश्न है सिफेलो काउडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का आकर्षण कैसे होता है सभी को पता होगा सिर से पैर की ओर होता है काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न है कि विकासात्मक दिशा का नियम क्या सम्मिलित करता है मस्तिष्क अधोमुखी नियम निकट से दूर का नियम एवं भी दोनों ना तो ए ना तो बी दोस्तों आप सभी जानते हैं आप भाभी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं और जयस सर आप सभी को शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं सभी का वेलकम करते हैं विकासात्मक दिशा का नियम जो सम्मिलित करता है वह आपका मस्तिष्क अधोमुखी भी है और निकट से दूर नियम दोनों हो जाएंगे इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कोई भी डाउट हो फीडबैक करें कमेंट करें हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कन कन्फर्म है और हर सब्जेक्ट की आपकी क्लासेज वीडियोज मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में जाइए सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी बात करेंगे प्रश्न की कि फेलो कार्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सभी को पता होगा सिर से पाँव की ओर होता है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रश्न दिया गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ये कथन विकास के सिद्ध किस सिद्धांत से संबंधित है तो सभी को पता होगा विकास कभी ना समाप्त समाप्त होना मतलब निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम तीस महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं तीस में से आपका फ़ीडबैक कितना है फिफ्टीन है प्लस है ट्वेंटी प्लस है या ट्वेंटी फाइव प्लस है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं क्योंकि यहाँ पर सलेक्शन सरोपरि है हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट की बात करें हर सब्जेक्ट अपने आप में तीस प्रश्न का होता है अगर टी टी एग्जाम की बात करें और टोटल वन फिफ्टी प्रश्न होते हैं और इनमें से आपको दोस्तों सभी को पता होगा जनरल कैटेगरी के सिक्सटी परसेंट और आपके फिफ्टी परसेंट जो है आपका ओ बी सी पर होता है इसलिए ये आपका सारी कुछ प्रोसीजर जो है पता ही होगा नहीं पता होगा तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी सिलेबस पता हो वो भी बता दीजिएगा सिलेबस भी आपको नया बता दिया जाएगा तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हर एक क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन भी शर्व पर ही है तो मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर धनबाद सभी का